जनपद में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट और वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभयचंद श्रीवास्तव, एडिशनल CMO NK पांडे, सुनीता पटेल सहित स्वास्थ्य, विद्युत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनपद में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स सहित CSC PSC पर स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट के तैयारियों की समीक्षा की गई तथा जनपद में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने पर भी चर्चा की गई। बैठक के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में कुल 18 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इनमें से 3 प्लांट को छोड़कर सभी प्लांट संचालित हो चुके हैं। सभी CHC और PSC पर विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य प्रदेश में छठे स्थान पर चल रहा है। अभी तक लगभग 26 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। आज की बैठक झंडे का पहला बिंदु है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। MPLAD से 80 लाख रुपये लाभ मिला हुआ है। विभाग संचालन के लिए उपयुक्त क्षमता का जनरेटर जेम पोर्टल से ही क्रय किया जाना है। सभी जगहों पर 65.5 KVA जनरेटर के लिए जेम पोर्टल पर कंडक्ट किया गया। विभाग के जो मंडली सहायक अभियंता हैं उनको थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन्होंने बताया कि नहीं 65.5 KVA से सारे प्लांट नहीं चल पाएंगे। अलग कैपेसिटी जैसा कि यही मंडल ने वेंडर से उनकी डिमांड की राइटिंग ले करके हम लोगों को बताया है। KVA का एक जनरेटर, KVA हॉस्पिटल में जो 400 ATM का प्लांट है उसके लिए 160 KVA का जनरेटर, बांस गाँव में 167 LPM प्लांट के लिए 65.63 KVA का जनरेटर, पिटौरी में 333 LPM के लिए 100 KVA का जनरेटर, चरगावा में 250 LPM के लिए 75 KVA का जनरेटर, अरनेही में 300 LPM के लिए 130 KVA और कैंपियागंज में 300 LPM के लिए 125 KVA। इस प्रकार से अलग अलग क्षमता का उद्देश्य बंद किया जाएगा। जो मिला हुआ है उसमें से जो हमारा प्लांट का टेंडर पूरा है, फाइनेंशियल जो एलमेंट जो आया है, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए ये क्लियर हो गया है कि जो 1000 का जाना था वो नहीं जाएगा, पुराना ही ये फाइनल जाएगा। जो टेंडर है वो नहीं, तो सर्विस सर द्वारा ये कहा गया कि प्लांट को जा कर नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में सर जो फाइजमा का प्लांट है जिसका टेंडर हो चुका है इसकी फाइनेंशियल हो चुकी है और उसकी लागत 52,60,000 रुपये आई। चलो हाँ, तो उसी से आप लगवाएंगे जी सर, और जो पैसा बचेगा प्लांट कहाँ जाएगा? दोनों विंडर देगा सर जो नहीं, आपने विंडर जो किया है सिविल वर्क, पाइपलाइन, प्लांट सब मिला के किया है जो GRF से होगा, इलेक्ट्रिक लोड का और गैस पाइपलाइन का। और सजनवा में पहले से कितने बेड हैं? 50 30 30 बेड, तो 50 बेड हो जाएगा वहाँ। आप कितने LPM का है ये प्लान? 335 LPM। क्या तो कहाँ जाएंगे? अभी दो ही आएंगे, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हमारे जितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं उनकी बारे में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए महोदय जिलाधिकारी महोदय ने इंस्ट्रक्शन दिया है। और अभी एक दो प्लांट अभी चालू हालत में नहीं है, उनको भी चलाने के लिए जल्दी से जल्दी चलाने के लिए कहा गया है। सर कितने प्लांट लगाए जा रहे हैं? हाँ, हमारे जनपद में 18 प्लांट लगे हुए हैं। हाँ, सब मिलाकर 3 प्लांट अभी फंक्शनल नहीं है, बाकी सब हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन की हमारी अच्छी चल रही है, हम छठवें स्थान पर है पूरे प्रदेश में। और फर्स्ट डोज में हमने 21 लाख तक लगा रखा है, सेकेंड डोज हमारा 5.5 लाख का है। टोटल हम 27 लाख का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, उसमें भी गति प्रदान करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। और हम लोग आशा आंगनवाड़ी AN के सहयोग से और भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराएंगे। किसी नहीं, दो बंदियों पर चर्चा हुई है और